हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में आपको मेरे ड्राइंग पेपर्स दिखाऊंगा जितने भी टोटल मेरे पास हैं। तो लेट्स सी। सो गाइज, सबसे पहले है कैंसन का ब्रिस्टल पेपर जो कि मैंने अमेजोन से बाय किया था। ये मुझे 500 रुपीज़ का मिला था और इसमें 50 शीट्स आती हैं। ये काफ़ी स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का ड्राइंग पेपर है। इसका यूज़ मैं कमीशन वर्क के लिए करता हूँ। मुझे और भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में बाय करने थे बट ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। और ये है फेब्रियानो का कार्ट्रेज पेपर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कार्ट्रेज पेपर है। ये भी मैंने अमेजोन से ही बाय किया था और ये मुझे 600 रुपीज़ का पड़ा था और इसके अंदर 50 शीट्स हैं और ये रफ़ शीट्स हैं जो कि आपको पता होगा कार्ट्रेज रफ़ शीट्स होती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की शीट्स हैं। इनके ऊपर मैं आपको ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाऊंगा बट फिलहाल मैं इसका यूज़ नहीं करता हूं क्योंकि मुझे स्मूथ का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ब्रिस्टल पेपर जो कि है ब्रूस्टर ब्रांड का और ये थोड़ा मोटा है, जो मैंने आपको कैंसन का दिखाया था उससे थोड़ा मोटा है और उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का भी है ये और उससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। ये पेपर मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था दिल्ली से, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। नेक्स्ट है मेरे पास आइवरी की ड्राइंग बुक जो कि मैंने बनवाई थी, जो भी शीट्स हैं मेरी आइवरी की उनकी मैंने बनवाई थी, कहीं मुझे ले जाना हो तो उसके लिए। ये पेपर काफ़ी स्मूथ है जैसे कि मैंने आपको ब्रिस्टल दिखाया था बट ब्रिस्टल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है बट ये स्मूथ है और इसका मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ मेरे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं या फिर मोस्टली जो मेरी ड्राइंग है, 90% मेरी ड्राइंग सभी मैंने इन्हीं पेपर्स के ऊपर ड्रॉ किया है। तो ये जो पैकेट में मिलता है, ये पैकेट में इन पे मैं अपने यूट्यूब की वीडियोज़ ड्रॉ करता हूँ और जो ये हैं ये मैंने बाहर कहीं ले जाना हो तो उसके लिए मैंने इसका स्पायरल बनवा लिया। तो ये मेरे पास सबसे ज़्यादा है आइवरी के पेपर जो कि मैं अपनी ड्राइंग्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये पेपर मुझे 54 रुपीज़ में 25 पेपर्स मिल जाते हैं और ये पेपर मैं दिल्ली से ही बाय करता हूँ। अब A3 साइज़ के पेपर की बात करते हैं तो ये है ब्रूस्टरो का और ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ पेपर है। इसके ऊपर मैंने ग्रेफाइट से ट्राई किया था बट मुझसे ड्रॉ नहीं हो पाया बिल्कुल स्मूथ। सो इसका यूज़ मैं पेस्टल्स वगैरह में कर सकते हैं, कलर पेंसिल्स में कर सकते हैं। काफ़ी रफ़ पेपर है और ये 200 GSM का है, ब्रूस्टरो ब्रांड का। इसका यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे स्मूथ का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यह है कार्ट्रेज पेपर जो कि है A3 साइज़ का और ये शीट्स भी हैं, 25 शीट्स हैं, ये मुझे मिल जाते हैं 60 रुपीज़ की। नेक्स्ट है A3 साइज़ का आइवरी शीट्स जो कि मैं अपने कमीशन वर्क्स में यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कोई A3 साइज़ का वर्क ड्रॉ करना होता है तो ये 210 GSM का है, सेम जैसे कि मैंने आपको A4 का दिखाया था। अगर मुझे कोई बड़ा वर्क ड्रॉ करना हो तो मैं A1 साइज़ का यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये है A1 या A2 का। तो ये मेरे पास मैंने स्क्रॉल कर रखे हैं, इसको मैंने अखबार में डाल रखे हैं। तो ये सारी आइवरी शीट्स हैं, ये हैं 250 GSM की। ये भी मैंने दिल्ली से बाय की थी, अगर मुझे इसमें से कुछ काट के, मतलब जितना साइज़ मुझे चाहिए होता है तो मैं इसमें से काट के यूज़ कर लेता हूँ। सो गाइज, ये हैं कुछ बेसिक से सिंपल से ड्राइंग पेपर जो कि मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। ये है आइवरी का जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ये है ब्रिस्टल का, कैंसन का जो कि मैं कमीशन वर्क के लिए यूज़ करता हूँ और ये फेब्रियानो तो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ और ब्रिस्टल ये मैंने अभी बाय किया था ब्रूस्टरो का और ये आइवरी की है, ये सेम ही है, ये मैंने मार्केट से बनवाई थी। और A3 में मैं आइवरी का ही यूज़ करता हूँ, A3 साइज़ की जो आइवरी शीट्स हैं। और ये है मेरे पास वाइट वाली जो कि मैं किसी और ड्राइंग में यूज़ करता हूँ, कोई रफ़ ड्राइंग ड्रॉ करनी हो तब यूज़ करता हूँ। और ये ब्रूस्टरो का पड़ा है मेरे पास जो कि मैं पेस्टल्स वगैरह में यूज़ करता हूँ। और ये है मेरे पास A1 साइज़ का जो कि सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ है, तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। सो गाइज, ये हैं कुछ बेसिक से सिंपल से ड्राइंग पेपर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स के लिए। अभी तक मैंने इतने ही यूज़ किए हैं कार्ट्रेज, आइवरी और ट्यूटोरियल्स में तो मैं सारे मेरे आइवरी यूज़ करता हूँ। मोस्टली जो मेरी ड्राइंग्स है वो सब आइवरी पेपर पे यूज़ किए हैं, बाकी मैं कमीशन वर्क के लिए ब्रिस्टर का यूज़ करता हूँ। काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे से इरेज होता है उसमें, काफ़ी स्मूथ शेडिंग होती है, तो उसके लिए मैं ब्रिस्टल का यूज़ करता हूँ। बाकी और भी पेपर्स आते हैं, टोन पेपर्स आते हैं, वाटर कलर पेपर आते हैं, तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, तो जैसे ही मैं उनको बाय करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा। सो गाइज, यही है कुछ ड्राइंग पेपर्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।